नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो दोस्तों यहां पे हम बात करने वाले हैं आज यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज, इसके अंतर्गत जो वैकेंसी निकली है अप्रेंटिसशिप की, उसके बारे में बात करेंगे यहां पे। तो आप यहां देख सकते हैं क्लियरली मेंशन किया गया है इस डिपार्टमेंट के बारे में। तो आप यहां देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर है 5/2022। ओके, जब आप नीचे के सेक्शन में जब आप आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो अप्रेंटिसशिप की जो पोस्टें हैं, किस ट्रेड में कितनी पोस्टें दी गई हैं, इसके बारे में अगर देखें यहाँ पे, तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे फिटर ट्रेड वाले जो कैंडिडेट्स हैं उसमें दी गई हैं आपको टोटल 80 पोस्टें। उसी तरीके से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 80 पोस्टें दी गई हैं। उसी तरीके से वेल्डर एंड गैस ट्रेड में देख सकते हैं 40 पोस्टें दी गई हैं। टर्नर में देख सकते हैं आप यहाँ पे 12 पोस्टें दी गई हैं। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में आपको 5 पोस्टें दी गई हैं। उसके बाद मैकेनिक डीजल में आपको 12 पोस्टें दी गई हैं। कारपेंटर में आपको 5 पोस्टें दी गई हैं और प्लम्बर में आपको 5 पोस्टें दी गई हैं। इस तरीके से अगर बात करें तो यहाँ पर टोटल 239 पोस्ट अवेलेबल है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे यूनिट इसका UCIL का ऑर्गेनाइजेशन का यूनिट है, तो उस यूनिट वाइज आपको ये पोस्टें कैटेगराइज किया है कि जैसे आपकी वैकेंसी जो होगी तो 81 कैंडिडेट्स की ज़रूरत यहाँ पर है इस यूनिट पर, और 52 कैंडिडेट्स की ज़रूरत यहाँ पर है, 106 कैंडिडेट्स की ज़रूरत यहाँ पर है। तो उस तरीके से आपको यहाँ पर कैटेगराइज करके उस यूनिट में भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर उसके बाद देखिए एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, सबसे पहली बात इसमें आपका ITI होना चाहिए NCVT से। उसके बाद एज लिमिट जो होनी चाहिए आपके 18 से 25 साल होनी चाहिए। 30/11/2022 आपकी लास्ट डेट है, मतलब 30/11 तक आप 25 साल के हो जाने चाहिए, इससे मैक्सिमम एज नहीं होनी चाहिए। अगर कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, एंड देन OBC कैंडिडेट्स को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। उसके बाद नीचे आएंगे आप, इसमें दिया कि प्रीवियस ट्रेनिंग कैंडिडेट हु ऑलरेडी अंडरगोन द अप्रेंटिसशिप, जैसे किसी ने अप्रेंटिसशिप कर लिया है तो दोबारा अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें जो अप्लाई करना है आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल से ही करना है। स्टाइपेंड जो की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो आपको स्टाइपेंड का जो रेट है अप्रेंटिसशिप रूल 11 के तहत, उसी हिसाब से आपको दिया जाएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 8050 के अप्रॉक्स बन जाता है आपका। ठीक है, चलते हैं आगे। जो सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है आपका वो होगा ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, यानी आपके हाई स्कूल और ITI की मेरिट के आधार पे ही आपका चयन किया जाएगा। ओके, TAD आपको किसी तरीके का प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। आपको अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, विजिट करना है आपको https://apprenticeshipindia.gov.in पर। इस पर आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद, क्योंकि जितने भी आप कैंडिडेट ITI के होते हैं सभी को, आप सभी लोगों को इस पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना ही होता है। जब आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे फिर उसके बाद करेगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के बाद, उसके बाद करने के बाद आफ्टर रजिस्ट्रिंग कन्फर्मेशन ईमेल आपको आएगा, उस पर कन्फर्मेशन ईमेल को आपको कन्फर्म कर देना, क्लिक करेंगे जो ईमेल में एक्टिवेशन लिंक आपको दिया जाएगा। उसके बाद क्या करना है, कैंडिडेट को लॉगिन करना है और कंपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद अप्लाई इन ऑनलाइन मोड ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ इसी पोर्टल वेबसाइट पे जाएंगे विद फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फिर UCIL ID में आपको लॉगिन करके उसको आप एक्सेप्ट करना है। उसके बाद करना है अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी जो है, मस्ट क्लिक ऑन द अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी। जैसे आप उस पोर्टल में जाएंगे तो अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी सेक्शन जब ओपन करेंगे, टैप सेक्शन ओपन सेलेक्टिंग द डिजायर्ड ट्रेड, अपनी ट्रेड को सिलेक्ट करेंगे। देयर आफ्टर कैंडिडेट मस्ट सेलेक्ट मोर देन वन यूनिट, एक यूनिट से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं तीनों यूनिट में, इन विच विशेष टू अप्रेंटिसशिप, आप जिस यूनिट में भी अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आप अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, जो इसमें लास्ट डेट की बात की गई है तो उसमें किया गया है लास्ट डेट 30/11/2022 है। उसके बाद कह रहा है एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर एक्सपायरी ड्यू डेट, जैसे 30/11 के बाद आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं की पॉइंट्स के बारे में, जो भी की पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पे लास्ट डेट के बारे में दे दिया गया आपको 30/11 है, और 29/10 का ऑनलाइन आवेदन आपका स्टार्ट हो चुका है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप सभी के सामने शेयर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और इस तरह की वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो कोई भी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।